सदा अपने इरादों पर यकीन रख, तेरी हार भी जीत से बड़ी होगी। हर बार गिरने पर उठ जाना तू, कामयाबी मिलने पर यह दुनिया तेरे पीछे खड़ी होगी। मतलब असफलता से तो घबराना ही नहीं है, असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसी को आगे लेकर बढ़ना है और अपने अंदर की जो कमियां हैं असफलताओं से सीख लेकर कमियों को दूर करना है और उन कमियों को दूर करके हमको सफलता तक पहुंचना है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं के दृष्टिकोण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस बीमारी का नाम बदल दिया गया है। यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला दिया गया है मंकी पॉक्स, दूसरा लंपी बीमारी, तीसरा कोविड-19, चौथा प्लेग। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, मंकी पॉक्स का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO के नाम से जाना जाता है इनके द्वारा एमपॉक्स क्या किया गया है, एमपॉक्स किया गया है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यह किस प्रकार की बीमारी है, तो यह जूनोटिक प्रकार की बीमारी है, जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। अब यहां सबसे पहला यह जानना जरूरी है कि जूनोटिक प्रकार क्या होता है, तो ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं उन्हें जूनोटिक प्रकार की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यह किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, तो यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसी क्रम में अगर वायरस के अध्ययन की बात की जाए किस नाम से जाना जाता है, तो वायरोलॉजी टर्म के नाम से जाना जाता है वायरस के अध्ययन को। इसी क्रम में आप एक प्रश्न पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो यह भी याद रखें कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां मंकी पॉक्स की, यह मूलतः कहां की बीमारी है, तो आप याद रखेंगे नाइजीरिया, कहां की मित्रों, नाइजीरिया की बीमारी है और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा जो है यहां की राजधानी के रूप में है। इसी क्रम में एक देश और भी याद रखेंगे नाइजर, कई बार पूछा गया है नाइजर की राजधानी क्या है, तो नियामे जो है यहां की राजधानी है और नाइजर नदी भी आप याद रखेंगे, नाइजर नदी जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है जो मंकी पॉक्स है इसका पहला केस भारत में किस राज्य में देखा गया था, तो केरल राज्य में देखा गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर संस्था के बारे में देखें तो यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए WHO की स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहां है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे मित्रों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसी क्रम में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में WHO के प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है ये वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे लंपी बीमारी खूब चर्चा में रही है, तो यह किस में फैलने वाली बीमारी है, तो लंपी जो बीमारी है यह जानवरों में फैलने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में जो पशु हैं उनका प्रवेश वर्जित किया गया था, किसके कारण, तो लंपी बीमारी के कारण। अब यहां संगठन से बात हो रही मित्रों, तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में इनका स्थापना कब हुआ था, इनका मुख्यालय कहां है और ये किससे संबंधित हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो आइए एक सूची के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में हम लोग अध्ययन करें, जिससे आने वाले प्रश्न हमारे गलत ना हो। देखिए यहां दिया गया है
पहला अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1865 में होती है। अगर बात करें सार्वभौमिक डाक संघ की तो इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1874 में होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ILO के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1919 में होती है और हाल ही में इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं गिलबर्ट होकाइबो। क्या नाम है? गिलबर्ट होकाइबो है, इनको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, अभी हम लोगों ने देखा है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में होती है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे विपो के नाम से VIPO के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1967 में होती है। विश्व व्यापार संगठन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे WTO के नाम से जाना जाता है और यहां की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये तमाम सारी परीक्षाओं में पूछा गया है तो आपको जरूर याद रखना है, ना कोंजी ओकोंजी इवेला जो है ये नाइजीरिया की हैं, इनको पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1995 में। अगर हम बात करें अगला महत्वपूर्ण दो जो संस्थान है यहां पूछा जाता है, कौन से दो संस्थान हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सिस्टर के नाम से या बहनों के नाम से जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, साथ ही साथ विश्व बैंक जो है, इनको अंतरराष्ट्रीय सिस्टर या सिस्टर के नाम से जाना जाता है और दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC में है, जो कि USA की राजधानी है, और इनका स्थापना 1945 में होता है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में आपके लिए जरूर मददगार साबित होंगे। आप इनको एक से अधिक बार रिकॉल करेंगे, याद रखेंगे और जब भी परीक्षाएं होंगी स्टैटिक GK के रूप में ये प्रश्न जरूर दिखाई देंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला है अमिताभ कांत, दूसरा अमरजीत सिंह, तीसरा रंजना प्रकाश देसाई और चौथा विवेक शाह। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर B सही है। अब यहां से आपको जानना है कि जो मनरेगा है इसमें आने वाली जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है और यह किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अमरजीत सिंह जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना है, मनरेगा पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था और किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो 2005 अधिनियम 2005 के द्वारा स्थापित किया गया और नरेगा के रूप में 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया। साथ ही साथ इसे मनरेगा के रूप में कब लागू किया गया यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2009। कब मित्रों? 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के रूप में लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में यहां देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो G20 देशों की बैठक 2023 में भारत में होनी है इसमें शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिताभ कांत जी हैं, इनको भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है G20 देशों के लिए। अगर हम बात करें G20 की 2022 में बैठक कहां बुलाई गई थी, तो आप अभी हाल ही में बुलाई गई इंडोनेशिया के बाली में। कहां मित्रों? इंडोनेशिया के बाली में। इसी क्रम में 2023 में कहां? भारत में होगा। और अगर हम अगले प्रश्न को देखें रंजना प्रकाश देसाई से, तो आपको जरूर याद रखना है भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आपको याद रखना है रंजना प्रकाश देसाई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया गया किस आयोग की मदद से, तो रंजना प्रकाश देसाई आयोग की सिफारिश पर किया गया था और सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं? 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर में निर्धारित की गई हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में जैसा कि हम लोगों ने अभी संगठन के बारे में देखा, इसी क्रम में आपसे आयोग और समितियों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से यह समिति किस
किससे संबंधित है, या आपसे पूछ लिया सरकारी या आयोग का संबंध किससे है, तो ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं। तो आइए एक सूची के माध्यम से उन सारे महत्वपूर्ण समितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करें जो कि हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर देखिए पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महान लोबिस्ट समिति, यह किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए आय वितरण का संबंध किस समिति से है, तो महान लोबिस्ट समिति से है। यह आय वितरण का आकलन के लिए 1960 में स्थापित किया गया था। अगर बात करें खुसरो समिति की, तो कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है 1989 में। अगर बात करें दंतेवाला समिति की, तो बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए 1969 में किया गया था। अगर बात करें सरकारी आयोग की, तो केंद्र राज्य संबंध, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सरकारी आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। केंद्र राज्य संबंध जो है यह सरकारी आयोग से संबंधित है, और यह कब लागू किया गया था, तो 1983 में। साथ ही साथ गायपोरिया समिति की बात करें, तो आप याद रखें बैंकिंग सेवा सुधार से है 1990 में। अगर बात करें गोस्वामी समिति की, औद्योगिक रूढ़ता से है 1993 ईस्वी में। नरसिंहम समिति की बात करें, तो वित्तीय सुधार से है 1991 में। राजा चिलैया समिति की बात करें, कर सुधार से है 1991 में। जानकी रमन समिति की बात करें, प्रतिभूति घोटाला से है 1992 में। और मल्होत्रा समिति की बात करें, बीमा सुधार से है 1993 में। भंडारी समिति की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना है 1994। ये सारे समिति हैं, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या कहीं ना कहीं ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको जरूर इनको रिकॉल रखना है, याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डार्ट शील्ड किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहां शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन डार्ट शील्ड या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला भारत, दूसरा पनामा, तीसरा मिस्र, चौथा जर्मनी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। जैसा कि प्रश्न में ही टार्ट सील दिया गया है, तो टार्टल यहां कछुए के संरक्षण, कछुओं के संरक्षण से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है। अवैध तरीके से कछुओं का जो तस्करी किया जा रहा है, इसी से संबंधित, इसी की रोकथाम के लिए भारत के द्वारा टार्ट शील्ड, ऑपरेशन टार्ट शील्ड प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यह कहां से प्रारंभ किया गया, तो साइट की कॉप 19 की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये पनामा में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या है पनामा की, तो पनामा सिटी ही पनामा की राजधानी के रूप में है। इसी क्रम में हाल ही में चर्चा में रहा है कॉप 27 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये मिस्र में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया, मिस्र में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नील नदी का वरदान के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो नील नदी का वरदान के नाम से मिस्र को जाना जाता है। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। इसी क्रम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में COP26 भी याद रखें, इसका आयोजन कहां किया गया था, तो ग्लासगो में किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड का शहर है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। अगर बात करें इसी क्रम में COP1 का, तो आप जरूर याद रखें जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। आप ध्यान रखेंगे कब 1995 में। अगर बात करें COP21 की मित्रों, तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया था, और यह इंपॉर्टेंट इस कारण है क्योंकि इसी में भारत और फ्रांस के सहयोग से भारत में एक अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना की जाती है। उस संस्थान का नाम आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, जिसमें आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो कि भारत में स्थित है वो कौन सा है या कहां पर स्थित है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसी क्रम में आप जरूर याद रखेंगे यहां से कुछ आयोजन हाल ही में जो हुए हैं। अगर हम यही जर्मनी की बात कर ले, तो आपको याद रखना है G7 देशों की बैठक कहां आयोजित की गई थी 2022 में,
तो ये जर्मनी में बुलाई गई थी। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि भारत G7 देशों का सदस्य देश नहीं है। अगर बात करें G20 की मित्रों, तो आप याद रखेंगे G20 की 2022 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में बुलाया गया, और इसी क्रम में 2023 की बात कर ले तो पहली बार भारत के जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें SCO की, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन की, तो आप ध्यान रखेंगे कि 2022 की बैठक कहां बुलाई गई, तो उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान का समरकंद में किया गया, और 2023 में इसकी बैठक कहां की जाएगी, भारत में किया जाएगा। इसी क्रम में ब्रिक्स याद रखना है, ब्रिक्स का 14वां बैठक क्रम याद रखेंगे, 14वां बैठक चीन में आयोजित किया गया 2022 का, और अगर हम बात करें ब्रिक्स का 15वां बैठक जो कि 2023 में आयोजित होना है, ये कहां किया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका, कहां किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आप इन सारे सम्मेलनों का आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें, आपसे प्रश्न साइट्स के बारे में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखें। देखिए यहां दिया गया है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, इसका थीम है और आपको ध्यान फॉर्म है, और आपको ध्यान रखना है कि इसकी 19वीं बैठक कहां बुलाई गई है, तो पनामा में बुलाई गई है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहां आप देखिए, यहां एक टर्टल कछुए को दिखाया गया है, तो आप ध्यान रखने कि यहां जो टर्ट शील्ड है यह किससे संबंधित है, जो कि भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया COP19 के आधार पर, तो यह संबंधित है कछुए के अवैध तस्करी को रोकने के लिए। आपको याद रखना है भारत में भीतर कनिका नेशनल पार्क, ये किसके लिए जाना जाता है, तो ऑलिव रिडले जो कछुआ है इसके लिए जाना जाता है भीतर कनिका नेशनल पार्क। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी प्रदान किया है। देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला दिया गया पांडा, दूसरा दिया गया है हिमालयी याक, तीसरा दिया गया संघाई हिरन, चौथा दिया गया हंगुल मृग। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर भी सही होगा, हिमालयी याक जो है इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल के रूप में चिन्हित किया है। अगर हम बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, तो इसे हम फसाई के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो देखिए यहां दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है ये फसाई का फुल फॉर्म है, या इसे कह ले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का फुल फॉर्म है। अगर बात करें किस अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे अधिनियम 2006 के द्वारा, साथ ही साथ इसकी स्थापना जो होती है ये 2008 में होती है, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा फूड एनिमल के रूप में किसे दिया चिन्हित किया गया है, तो हिमालयी याक को चिन्हित किया गया है। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण और भी विकल्प दिया गया है, जैसे अगर पांडा पूछ लिया जाए, तो आपसे पूछा जाता है WWF का प्रतीक कौन से किसे बनाया गया है, तो वर्ल्ड यहां पर आपको ध्यान रखना है किसे बनाया गया है, पांडा को बनाया गया है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1961 ईस्वी में होती है। साथ ही इसका मुख्यालय कहां है, तो ग्लांड, इसका मुख्यालय कहां है, ग्लांड में स्थित है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है संघाई हिरन, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघाई हिरन कहां पाया जाता है भारत में, तो आपको याद रखना है मणिपुर, कौन सा, मणिपुर, और मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। इसका नाम भी याद रखेंगे केबू लाम जाओ जो है नेशनल पार्क है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और इसी पार्क में संघाई हिरण पाया जाता है। और यहाँ एक घास पाई जाती है, जिसे घास को फूमड़ के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको हंगुल मृग के बारे में ध्यान रखना है,
दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहां से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और यहीं पर हंगुल मृग पाया जाता है। और हाल ही में संघाई महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि संघाई महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? मणिपुर में हाल ही में संघाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहां स्थित है? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला इटली, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है यूएसए। विकल्प नंबर डी सही होगा, यूएसए, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है यूएसए के हवाई द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। इसी क्रम में ज्वालामुखी से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि ये मोना लोआ ज्वालामुखी जो है, जो कि यूएसए के हवाई द्वीप से संबंधित है, पिछली बार इसमें उद्गार कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1984 ईस्वी में पिछली बार इसमें उद्गार हुआ था और 38 वर्षों के बाद इसमें पुनः उद्गार हुआ है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है? तो आप जरूर याद रखेंगे इसको, जल वाष्प की मात्रा जो होती है इसमें सर्वाधिक होती है और इसके बाद अन्य सारे पदार्थ जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ के रूप में किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये मोना लोआ ज्वालामुखी जो है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यहाँ आंसर कोटोपैक्सी होगा जो कि कहां पर स्थित है? यह इक्वाडोर जो है देश यहां पर स्थित है। कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। इसी क्रम में आपको फिलीपींस से याद रखना है माउंट ताल जो है ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है फिलीपींस। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी यहाँ पीछे आपके एक सूची में लिखा गया है जिसको हम लोग यहाँ रिवाइज कर लें। देखिए अगर आपसे पूछा जाए माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में है। अगर बात की जाए माउंट एटना की, तो यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है। स्ट्रॉम्बोली की बात करें तो इटली में स्थित है। ब्यूसियस की बात करें तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है और यह भी इटली में स्थित है। आपको यहां याद रखना है देम बंद यह शांत ज्वालामुखी है, ईरान में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में है। फ्यूजीयामा की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जापान में है। किलिमंजारो अगर पूछा जाए तो शांत ज्वालामुखी है, तंजानिया में है। कटमई ये कहां है? अलास्का में है। अलबुर्ज की बात करें तो जॉर्जिया और रूस की सीमा पर है, यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं और लगातार प्रश्न यहां से जरूर पूछे गए हैं, आप जरूर इनको याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा? तो यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला कनाडा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा यूनेस्को। यहां जो सही हमारा विकल्प है, संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में महात्मा गांधी की पहली मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, आपको याद रखना है। अगर बात करें यहां संयुक्त राष्ट्र की, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इनको देखें तो इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष
यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसके भाग कितने हैं, तो टोटल मित्रों इसके 6 भाग हैं और यहां पर 6 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। साथ ही साथ एक अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे एंटोनियो गुटारेस जो है वर्तमान में प्रमुख है, किसके, यूएन के प्रमुख है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है या यूएसए के बाहर है। तो आप याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय जो है द हेग में है। ये कहां से संबंधित है, तो ये नीदरलैंड से संबंधित है और इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी के रूप में है। इसी क्रम में हाल ही में आपको पूछा जा गया है कि यूएनओ में भारत की पहली महिला अस्थाई प्रतिनिधि में चुनी जाने वाली कौन है, तो रुचिरा कंबोज है और यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें हाल ही में यूएनओ में मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बोलकर तुर्क हैं। ये किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूएन की 76वीं महासभा का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल्ला साहिद के द्वारा किया गया था और ये कहां से संबंधित हैं, ये मालदीव देश से संबंधित हैं और मालदीव की राजधानी माले है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसका एक माह के लिए अध्यक्षता किस देश को दी जानी है, तो भारत जो है ये एक माह के लिए इसकी अध्यक्षता करने वाला है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब महात्मा गांधी जिसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को अगर हम देखें तो ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में बने होते हैं। जैसे अगर हम पहले प्रश्न की बात कर लें, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी भारत में कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर बात करें पहला सत्याग्रह इन्होंने कब किया था, तो 1917 में कहां पर किया था, तो आपको याद रखना है चंपारण बिहार में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था राजकुमार शुक्ल जी के बुलावे जाने पर। अगर बात करें 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था और 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, एकमात्र अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अगर बात करें यहां 1931 की मित्रों, तो पहली बार द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी गए हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है 1931 में द्वितीय गोलमेज में। साथ ही साथ 1932 की बात करें, तो पूना पैक्ट समझौता होता है किसके बीच में, तो आपको याद रखना है गांधी जी साथ ही साथ वी आर अंबेडकर जी के बीच में, कहां पर होता है, यरवदा जेल में होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1938 में त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं और इन्होंने गांधी जी ने कहा था कि यह मेरी पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है, इसी कारण इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942
में प्रारंभ किया गया था और इसी के आधार पर करो या मरो का नारा दिया गया था, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। यकीन है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखें। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दुनिया का सबसे पहला कोविड नेसल टीका इनकोवैक को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया, यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो कोविड के जो इंजेक्शन या कोविड की जो डोज हमने ले रखी है उसे इंजेक्शन के रूप में ले रखा है, तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये नेजल मतलब नाक के द्वारा दी जाने वाली दवा है जिसको भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, तो इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारा विकल्प पहला दिया गया भारत बायोटेक, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट, तीसरा कैंडिला, चौथा जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो हम बात करें तो सही हमारा ऑप्शन जो है ये किसके द्वारा, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है, और ये भारत बायोटेक जो है इसे इनकोवैक जो नेजल टीका है कोविड का इसको आपातकालीन प्रयोग के लिए घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसी क्रम में हाल ही में आपको याद रखना है सर्वाइकल कैंसर की दवा सबसे पहले किस संस्थान के द्वारा बनाई गई है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, और ये किसके द्वारा होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा सर्वाइकल कैंसर होता है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है लंपी बीमारी के बारे में, तो लंपी बीमारी जो है पशुओं में होने वाली बीमारी है, इसके लिए लंपी प्रोवैक नाम की दवा जो है ये स्वदेशी निर्माण किया गया है पहली बार, यह भी खूब चर्चा में है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। हमारा ऑप्शन जो दिया गया पहला 2022, दूसरा दिया गया 2024, तीसरा दिया गया 2025 और चौथा जो दिया गया है 2026। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है, विनय मोहन पात्रा जी ने किसका स्थान लिया था, तो आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन सिंगला जी के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे विनय मोहन पात्रा जी, और इनका क्रम क्या था, तो भारत के 36वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे, तो केपीएस मेनन थे, ये पुरुष में। अगर बात करें महिला की तो आपको याद रखना है कोरिला अयर जो है ये पहली महिला विदेश सचिव के रूप में नियुक्त की गई थी, आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि विनय मोहन पात्रा जो है भारत के 36वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और इन्होंने हर्षवर्धन सिंगला का स्थान लिया है, और इनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि चर्चा में है, अगर उनको हम देखें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे देखिए भारत सरकार के प्रमुख सचिव जो हैं, जैसे अगर कैबिनेट सचिव की बात करें तो ये कौन है, राजीव गौबा हैं। अगर बात करें रक्षा सचिव की तो गिरधर अरमाने हैं, हाल ही में नियुक्त किया गए हैं। अगर बात करें गृह सचिव की तो अजय कुमार भल्ला हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। विदेश सचिव के बारे में बात करें तो विनय मोहन पात्रा हैं। वित्त सचिव की बात करें तो टीवी शोभनाथ हैं। राजस्व सचिव की बात करें संजय मल्होत्रा हैं। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की बात करें तो अभय कुमार हैं। और आर्थिक मामलों के सचिव की बात करें अजय सेठ हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की बात करें तो ये पीके सिंह हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करें तो ये विवेक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको कुछ नियुक्तियां भी हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 50वें भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो यू ललित जो कि 49वें थे, इनके स्थान पे डी वाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आर वेंकेट रमणी जी को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद याद रखेंगे अनुच्छेद 76। अगर बात करें भारत के 14वें कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किस अनुच्छेद में वर्णित है,
तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 148, साथ ही साथ 14वें है गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है, जबकि आपको याद रखना है यहाँ कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जबकि सी ए जी जो हैं ये सी जी ए जो हैं ये किसे नियुक्त किया गया है, तो भारती दास को नियुक्त किया गया है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ किया गया। देखिए पहला विकल्प हमारा दिया गया है नई दिल्ली, दूसरा गांधीनगर, तीसरा गोवा, चौथा वाराणसी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ये सही होगा, नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो विदेश मंत्री जो है आपको याद रखना है, केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, तो यस जयशंकर जी जो हैं ये विदेश मंत्री हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि कहां, दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। अगर बात की जाए दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 70 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की बात की जाए तो इसमें कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं, और 69वां संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर अधिकतम मंत्री कितने प्रतिशत हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है 10% से अधिक मंत्री यहां नहीं हो सकते दिल्ली के लिए, या 69वां संविधान संशोधन के द्वारा भी संबंधित है। इसी क्रम में अगर उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं ये वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करें गांधीनगर की, तो आपको याद रखना है डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाना है, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। अगर बात करें गोवा की, तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2023 में आयोजन किया जाएगा, ये कहां किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। अगर बात करें वाराणसी की, तो SCO के द्वारा अपनी पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना है SCO ने, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाराणसी को चुना गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे अगर तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में पूछा जाए, तो पहली बार उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हरियाली योजना का शुभारंभ कहां से किया गया, तो यह भी दिल्ली में प्रारंभ किया गया। राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ जो है ये राजपथ का नाम परिवर्तित करके किया गया है, और यहीं पे आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा भी लगाई गई है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मरियम बेस्टन ने 2022 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पहला देखिए दिया गया है वैक्स, दूसरा दिया है एंजाइटी, तीसरा दिया गया है परमा क्राइसिस, चौथा दिया गया है गैस लाइटिंग। यहाँ जो हमारा सही होगा विकल्प, यह विकल्प नंबर डी सही होगा, गैस लाइटिंग। अब यहाँ गैस लाइटिंग का आशय क्या है, तो मानसिक अरूपता या किसी के मस्तिष्क को पढ़ना या मस्तिष्क के को हैक करना या उसके जो मानसिक तनाव है उसको बढ़ा देना जो है ये क्या है, गैस लाइटिंग है। और ये किस के द्वारा किया गया है, तो मरियम वेस्टर के एक संस्थान है इसके द्वारा गैस लाइटिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो परमा क्राइसिस को कॉलिंस के द्वारा चुना गया है या वर्ड ऑफ द ईयर। साथ ही साथ आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा आपको ध्यान रखना है किस शब्द को, तो होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है,
जबकि अगर आपसे बात की जाए ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और वर्ड ऑफ द चिल्ड्रन के रूप में एंजाइटी को चुना गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। देखिए दिया भी गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गैस लाइटिंग। अभी हम लोगों ने एक इसी से संबंधित एक टर्म पढ़ा था मून लाइटिंग। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि विप्रो कंपनी के द्वारा वहां के 300 एम्प्लाई को इसी मून लाइटिंग का हवाला देकर उनको नौकरी से निकाला गया था और इसका आशय बताया गया था कि मून लाइटिंग आशय यह है कि किसी कंपनी में कार्यरत होते हुए रात्रि के दौरान चुपके से या चोरी से अन्य कंपनी के कार्यों में इन्वॉल्व होना या अन्य कंपनी के कार्यों के साथ जुड़ना ही जो है ये मून लाइटिंग है और इसी के कारण विप्रो के द्वारा 300 कर्मचारियों को निकाला गया, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां पर ये सीरीज समाप्त हो रही है। देखिए आपके लिए चार लाइनें और सुंदर सी दी गई हैं। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं जड़े नहीं। मतलब आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी सफलता किस कारण नहीं मिल रहा है उनकी कमियों को देखिए ढूंढिए, ना कि अपने रास्ते बदल लीजिए। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।